चलो हो गया ओके फुल कंट्रोल पी। नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु तिवारी, स्वागत करता हूं आपका। तारीख आज 31 दिसंबर 2019 और आप देखना शुरू कर चुके हैं अन अकेडमी स्टूडियोज प्लेच। जी हां, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको मिलता है एमपीपीएससी और व्यापम सभी की कक्षाएं मध्य प्रदेश के बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा। चलें दोस्तों, मैं आपको ये बता देता हूं कि हमारे साथ कौन कौन सी फैकल्टीज उपलब्ध हैं। हमारे साथ हैं दिनेश ठाकुर सर, संजीव वैद्य सर, जितेंद्र राजाराम वर्मा सर, शैलेंद्र तिवारी सर, हमारे साथ सनमती जैन सर, हमारे साथ हैं पार राजुल मैडम, हमारे साथ हैं अजय जी और हमारे साथ हैं शुभम गुप्ता सर। ठीक है दोस्तों, चलिए। और मैं भी इनमें से एक हूँ, मेरा नाम हिमांशु है, पेशे से एक इंजीनियर हूँ मैं और कुछ एग्जाम्स जो मैंने निकाले हैं वो ये हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको दो क्लासेस लेता हूँ। एक लेता हूँ स्पोर्ट्स, जो कि क्लास अभी आप देख रहे हैं, रात को 10 बजे होती है, और दूसरी क्लास होती है कंप्यूटर की, ये सुबह 10 बजे होती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी 29 तारीख से लेके मतलब 29 दिसंबर से जो शेड्यूलिंग चल रही है 11 जनवरी 2020 तक, तो ये कंप्लीट है कि 29 तारीख से लेके 11 जनवरी तक मेरा टाइमिंग रहेगा सुबह 10 बजे और रात को 10 बजे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। बात करेंगे हम अनअकैडमी प्लस के बारे में, और उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज पढ़ेंगे क्या। आज हम पढ़ने जा रहे हैं खेल संबंधी संक्षेप रूप, शब्द संक्षेप बोल सकते हैं। मैं आपको कुछ दिखाऊंगा और उसका फुल फॉर्म आपको नीचे बताना पड़ेगा। ये बेसिकली क्रिकेट बॉडीज, जितने भी बॉडीज हैं जो कि स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कराती हैं या फिर क्लब्स हो गए, उनके बारे में है। तो ये सारे के सारे जो शॉर्ट टर्म्स रहेंगे ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा, आपको फुल फॉर्म लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 20 से 25 हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते थे मैंने सारे कवर कर लिए हैं। अब इसके अलावा बाहर जाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट थे हमने सारे कवर कर लिया। एक दो टॉपिक और रह जाएगा इसमें जिसको हम किसी और क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अनअकैडमी प्लस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सभी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम कॉस्ट पे, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे। जैसे कि आप लोगों को अपनी तैयारी करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, जैसे आप लोग इंदौर जाते हैं, भोपाल जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो क्यों जा रहे हैं? वहां की जो फैकल्टी है आपको बैठ के पढ़ा रही है, मोबाइल निकालिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, घर बैठिए और बैठ के पढ़िए, अपने समय का सदुपयोग करिए। घर से बाहर रहने की आवश्यकता नहीं है, बाहर का मैस वाला घटिया खाना खाने की भी आवश्यकता नहीं है, घर का मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाइए और पढ़ाई करिए। कोड रहेगा मेरा HKT लाइव, मम्मी के हाथों का गर्म खाना खाइए और पढ़ाई करिए, कोड रहेगा HKT लाइव, आपको मिल जाएगा इसमें 10% का डिस्काउंट। MPPSC की अगर मैं बात करूंगा तो MPPSC का जो सब्सक्रिप्शन है अपना कितने का है, 7000 का। अगर आप मेरा कोड डाल दीजिएगा तो 700 रुपये डिस्काउंट, कितने का हो जाएगा ये, 6300 का। ठीक है दोस्तों, कोड रहेगा HKT लाइव, भूलिएगा मत। अगला चलिए शुरू करने जा रहे हैं हम आज का शब्द संक्षेप फुल फॉर्म, जिसको जैसे समझ में आ रहा है वैसे लिखे, और आप लोग अंग्रेजी में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। CCI सी स्टैंड फॉर क्रिकेट, सी स्टैंड फॉर क्लब, आई स्टैंड फॉर इंडिया, तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया। चलिए BCCI ये भारत का क्रिकेट कंट्रोल का बोर्ड है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसका आंसर क्या रहेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देखिए इसका कंफ्यूजन होता है लोगों को, क्या है ये, देखिए बी स्टैंड्स फॉर बोर्ड ऑफ किस चीज का, कंट्रोल का, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। देखिए आप लोग गलती पता कहां करेंगे, मैं बता देता हूं किसमें आप लोग गलती करेंगे, ऑफ, फॉर और इन, ये तीन चीजें याद रखना। बोर्ड किसका, कंट्रोल का, किसके लिए, क्रिकेट के लिए, कहां पे, इंडिया में, तो बोर्ड ऑफ फॉर इन, ये याद रखना, आपका गलत नहीं होगा, BCCI। अगला सवाल FIH मतलब क्या हो जाएगा यहां पे, अगर FIH दिख रहा है तो आपको, H का मतलब तो हॉकी हो गया,
ठीक है, एच का मतलब हॉकी हो गया, एफ का मतलब हो जाएगा फेडरेशन, और आई का मतलब हो जाएगा इंटरनेशनल, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। ठीक, क्या हो जाएगा, एफ का मतलब, एफ का मतलब फेडरेशन, आई का मतलब दोस्तों इंटरनेशनल, और हॉकी का, एच का मतलब, एच का मतलब हो जाएगा क्या अपने पास, किसी को कोई दिक्कत है क्या, फेडरेशन फॉर इंटरनेशनल हॉकी। अगला आई एफ ए, आई एफ ए, आई स्टैंड्स फॉर इंडियन, एफ स्टैंड्स फॉर फुटबॉल, ए स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, लिखिए आई इंडियन, एफ का मतलब फुटबॉल, ए का मतलब एसोसिएशन। ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, जितने भी कॉपी पेन लेके बैठिएगा तो याद भी कर लीजिएगा तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी। आई ओ सी, ये तो सबको पता होगा, आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, ओ स्टैंड्स फॉर ओलंपिक, सी स्टैंड्स फॉर कमिटी, आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, ओ स्टैंड्स फॉर ओलंपिक, एंड सी स्टैंड्स फॉर कमिटी, डबल एम आई डबल टी डबल ई। कमिटी का स्पेलिंग बहुत लोग गलत लिखते हैं तो मैंने इसलिए बोल के बताया आपको, ठीक है। ठीक, अगला है एल बी डब्ल्यू, बता दो एल बी डब्ल्यू, तो सबको बता होगा यार, पूछ लिया जाता है इसलिए लिखा मैंने। डब्ल्यू का मतलब होता है विकेट, और बी का मतलब होता है बिफोर, और एल का मतलब होता है लेग। तो ये एल बी डब्ल्यू आउट सुना होगा आपने, कि कोई भी खिलाड़ी जो है एल बी डब्ल्यू आउट हुआ है, कैसे, विकेट से पहले अगर बॉल उसके पैरों में टकरा गई बिना बैट को छुए हुए तो वो आउट होता है, इसका मतलब लेग जो है विकेट से पहले आया है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लेग बिफोर विकेट, एल स्टैंड फॉर लेग, बी फॉर बिफोर, डब्ल्यू फॉर विकेट। अगला सवाल एम सी सी, एम सी सी, एम सी सी, एम सी सी का मतलब होता है, देखो सी सी का मतलब हो गया क्रिकेट क्लब, एम का मतलब हो गया मेलबर्न, तो ये मेलबर्न जो है कहां, ऑस्ट्रेलिया में, एम स्टैंड्स फॉर मेलबर्न, मेलबर्न, सी स्टैंड्स फॉर क्रिकेट, और सी स्टैंड्स फॉर क्लब, मेलबर्न क्रिकेट क्लब। एन आई एस बता दो, एन आई एस, एन आई एस स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, एन फॉर नेशनल, आई फॉर इंस्टीट्यूट, एस फॉर स्पोर्ट्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट। लिखूं क्या मैं इसको, नहीं लिखूं या लिखूं, चलो लिख ही देता हूं मैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। अगला यूएसओसी, जल्दी बता दीजिए, देखो इसमें ओसी दिख रहा है आपको, तो ओसी का तो मतलब हो गया ओलंपिक कमिटी, और यूएसए बार बार हमने सुना हुआ, यूएस 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 यूएस, क्या हो जाएगा ये, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट ओलंपिक कमिटी। ठीक, कोई दिक्कत है, ओलंपिक ओसी का तो पता चल गया, यू किसके लिए हो जाएगा यूनाइटेड, और एस किसके लिए हो जाएगा स्टेट्स के लिए। अगला आफी, आफी बता दो, ए ए एफ आई, आफी, ए स्टैंड्स फॉर अमेचर, ए स्टैंड्स फॉर एथलेटिक्स, एफ स्टैंड्स फॉर फेडरेशन, एंड आई स्टैंड्स फॉर इंडिया, अमेचर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, अमेचर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगला एस जी एफ आई, एस जी एफ आई, देखो एफ आई का मतलब क्या हो जाएगा, फेडरेशन इंडिया, आई का मतलब इंडिया, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, एस जी एफ आई, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। लिखूं, एस स्टैंड्स फॉर स्कूल, जी स्टैंड्स फॉर गेम्स,
F stands for Federation and I stands for India. को डाउट किसी को? अगला सवाल फीफा, अब ये तो फुल फॉर्म बताओगा, फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन एफ मतलब फेडरेशन, आई फॉर इंटरनेशनल, एफ फॉर फुटबॉल और ए का मतलब एसोसिएशन। इसका आपको होमवर्क है, मैंने बता दिया है इसको, आप ये होमवर्क है आपका, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इसलिए आपका इसका होमवर्क है। DSJA बता दो, दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन, लिखो जल्दी जल्दी। D स्टैंड्स फॉर दिल्ली या दिल्ली, S स्टैंड्स फॉर स्पोर्ट्स, J स्टैंड्स फॉर जर्नलिस्ट एंड A स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन, जल्दी बताइए, दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन, ठीक है, DSJA। अगला SAI, साई, इस तो सबको पता होगा, SAI मतलब क्या हो जाएगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, S स्टैंड्स फॉर स्पोर्ट्स, A स्टैंड्स फॉर अथॉरिटी, I स्टैंड्स फॉर इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई, ठीक है, साई हो गया। अगले पे बढ़े, अगला है आपका ICC, ICC का फुल फॉर्म बताने की आवश्यकता नहीं है मेरे को, ICC का फुल फॉर्म आपको पता होगा, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, लिख लीजिए, I स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, ICC। अगला ICL, अच्छा देखो, एक होता है ICL और एक हुआ था IPL, IPL तो अभी चल रहा है, ICL बंद हो गया, इसमें BCCI की मंजूरी नहीं थी, कपिल देव और कुछ क्रिकेटर्स ने मिलकर इसको शुरू किया था, फिर ये बंद हो गया बाद में, ठीक है, ICL, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंडियन क्रिकेट लीग, इंडियन क्रिकेट लीग, ठीक है। IPL का फुल फॉर्म आपको पता है कि नहीं पता है, देखिए बताइए, IAAF इंटरनेशनल, ए फॉर और एफ का मतलब हो जाएगा फेडरेशन, आप लोग निकालना सीखो, जैसे आपको आता भी नहीं है ना तो उसके बावजूद भी आप निकाल सकते हैं, जैसे ए फॉर एसोसिएशन, और किसका है ये फेडरेशन, एथलेटिक्स का, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, किसी को कोई डाउट? अगला सरफू, देखिए साउथ, SA किसको बोलते हैं हम लोग, S स्टैंड्स फॉर साउथ, A स्टैंड्स फॉर अफ्रीका, SA, और R का मतलब क्या हो जाएगा, रग्बी, R का मतलब क्या हो जाएगा, रग्बी, और उसके बाद F का मतलब फुटबॉल, और U का मतलब यूनियन, साउथ अफ्रीकन रग्बी फुटबॉल यूनियन, साउथ अफ्रीकन रग्बी फुटबॉल यूनियन, ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें भी हम 10 से 15 शॉर्ट टर्म्स कवर करेंगे, तो इसको हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं कि जो भी अगर खेल संबंधी कोई भी शब्द संक्षेप आता है तो आप उसको पूरी तरीके से सही कर पाए, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं, और कल नया साल है तो नए साल की तैयारियां जोर शोर पे होंगी, इसलिए मैं आपको ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वही बता रहा हूँ जो हल्का फुल्का चलते चलते आप उसको एडजस्ट कर सकते हों, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अभी मुझे जो है सुनने के लिए आप सभी का क्या बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो अभी ये वीडियो को क्लोज करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, और कल नया साल है, आप लोगों को मुबारक हो नया साल मेरी तरफ से, और नया नया रेजोल्यूशन लिया होगा आप लोगों ने, तो वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कौन कौन सा रेजोल्यूशन लिया है,
और उसका हम लोग पालन कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। मैंने भी रेजोल्यूशन लिया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप लोग भी अपना अपना रेजोल्यूशन बताइए और हम आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।